हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विंटेक यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ विनय डाकुला। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इस तरह का ग्लास डिस्प्ले कैसे बनाना है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोई नॉर्मल ग्लास नहीं है, उसकी मैंने डिस्प्ले बनाई है और ऐसे आप इसको लाइटनिंग कर सकते हैं। और ये तो आप अलग अलग कलर की डिस्प्ले में आप जो भी रंग चाहे वो इसमें रख सकते हैं। आपको मैं क्लोज लुक दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है। अब देखिए आप अलग अलग कलर के डिस्प्ले है। तो जिस तरह मैंने अपने YouTube चैनल के लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले किया है, वैसे ही आप अपना नाम या फिर अपने कंपनी का नाम या फिर अपने चैनल का नाम या फिर अपने कंपनी का लोगो या फिर अपने जो डिज़ाइन वो पसंद आए उसको भी इसी तरह आप ग्लास पेजिंग करके बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कांच का टुकड़ा है, इसकी लेंथ 1.5 फीट है और उसकी ऊंचाई 1 फीट है। नाम लिखने के लिए हमको ऐसी ये 4 साइज की प्रिंट चाहिए होगी जो मैंने ली है। आपके पास रोटर टूल नहीं है तो फिर भी कोई आप फिक्र ना करें, आप उसे खुद बना सकते हैं। आप ऐसे ही एक जो खिलौने में मोटर आते हैं उसको ले लें, या फिर आपको नई परचेस करनी है तो ये मार्केट में आसानी से 40-50 रुपए में मिल जाएगी। तो ऐसे एक मोटर चाहिए और ऐसा एक अटैचमेंट चाहिए जो ग्लास में एचिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह आप इस दोनों को ज्वाइन करके और फिर एक पुराना एडेप्टर हो या कोई भी आपके पास एडेप्टर हो
जो 7 वोल्ट या 12 वोल्ट आउटपुट देता हूँ तो उतना भी चलेगा। तो इसकी तरह आप इसे तो आप इसे बना के भी आप यहाँ से इसे एचिंग कर सकते हैं इससे। लेकिन मेरे पास जो रोटरी टूल है तो इसलिए मैंने मेरे पास जो रोटरी टूल है उसकी हेल्प से मैंने किया है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे एचिंग कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मोटर शुरू हो गई और इससे हम देखिए दोस्तों ये टूल भी आपको काम आ सकता है, जो मैंने ग्लास पे एचिंग करके आपको दिखा दिया। आप ऐसे एक 50 रुपये की मोटर ले लें और ऐसा एक अटैचमेंट ले लें जो ग्लास एचिंग का। ग्लास एचिंग का अटैचमेंट आपको कोई भी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ग्लास पे एचिंग कर सकते हैं, आपके पास रोटरी टूल नहीं फिर भी।
दोस्तों मल्टी लाइट के लिए आपको एक ऐसी एलईडी स्ट्रिप चाहिए होगी जो रेड ग्रीन और ब्लू एलईडी के साथ आती है 12 वोल्ट की स्ट्रिप। तो आपको ऐसी स्ट्रिप एक चाहिए होगी और उसके साथ ही उसका जो रिमोट कंट्रोल उसके साथ ही आरजीबी कंट्रोल बॉक्स भी चाहिए होगा जो आईआर सेंसर से शुदा और ये उसका रिमोट कंट्रोल है। आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फिर रेड ग्रीन ब्लू और तीन जो अपनी एलईडी है वो मिक्स कर सकते हैं, उसके वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और ये सारे उसके सेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसको फ्लैश मोड में यूज़ करें, स्ट्रोक मोड में यूज़ करें या फेड मोड में यूज़ करें या स्मूथ यूज़ में, आप कोई भी मोड में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है वो 12 वोल्ट का वोल्टेज एडाप्टर है, तो 12 वोल्ट डीसी वोल्ट हम इनपुट में देंगे और इसको कंट्रोल करके वो एलईडी लाइट को कंट्रोल करेंगे। फिर ऑन कीजिए तो देखिए ये अलग अलग शेड में तो ये आपको चाहिए होगा।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने लिए इस डिस्प्ले को बनाइए और इसको डिस्प्ले में रखिए और वो बहुत अच्छी लगती है मल्टी कलर में। आप चाहे तो अपना नाम लिख लीजिए या फिर कंपनी का लोगो लीजिए या यूट्यूब चैनल का नाम लिख लीजिए। और आप जब भी वीडियो शूट करें या आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आप अपने घर में या अपने ऑफिस में कहीं भी डिस्प्ले पर रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगले वीडियो में या फिर अगली कोई चीज़ में ऐसे लेके आऊँ आपके लिए बनाने के लिए आपकी DIY के लिए तो आप वो मिस ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है उस तक पहुँचाना है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आऊँगा नए वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।